हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है कि यहाँ पे एक लाइन गिवन है आपको, PQ इज अ लाइन, और ये जो पॉइंट M है इस लाइन को दो हिस्सों में बांटती है। तो उसका रेशियो पता है कि ये M इज टू N में इस लाइन को बांट रही है। P का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मान के चलते ये x1, y1 है, और Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो हमें इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कि ये आखिर होगा क्या। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x1, x, y। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको मान लेते हैं D। M से भी इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका E, और Q से भी इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो। ये हो गया F, इसको सीधी लाइन से मिला देते हैं, इसको भी यहां से मिला देते हैं। सो ये जो पॉइंट हो गया इसको मैं मान लेता हूं A, इसको B और इसको C, A B C, ठीक है। सो हमें इस M का ये जो एक्स कॉमा वाई हमने यहाँ लिख रखा है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना कि कैसे हम निकालें, क्योंकि हमारे पास नोन आपको पी होगा, क्यू होगा और इसका रेशियो होगा। उसके बाद जो भी अननोन होगा आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी एम बी और ट्रायंगल एम क्यू ए, तो अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, ये 90 डिग्री है और ये 90, दो एंगल बराबर। इसका मतलब ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल है PMB और MQA, दोनों आपस में सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल PMB सिमिलर टू ट्रायंगल MQA। अब जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसका मतलब कि साइड्स की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है आपस में बराबर होगा। इसका मतलब PM by MQ is equals to PB by BC, sorry PB by MA, PB by MA, इसको हटा ही देता हूँ यार, is equals to this one। तो ये क्या हो जाएगा आपका MB by QA, ठीक है। अब PM कितना है आपका, PM तो M, MQ कितना है आपका N, is equals to PB, ये PB की बात करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा X, यहां तक X1 है और यहां तक X है। सो PB जो इसी के बराबर होगा, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा X माइनस X1। तो PB कितना हो गया, PB मैं यहां पर लिख रहा हूं, PB is equals to X माइनस X1। अब हमें क्या चाहिए, MA, MA कितना है, MA, ये हमारा MA है। तो यहां तक तो क्या है, X है और यहां तक X2 है, ये पूरा कितना है X2। तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, X2 माइनस X, तो ये कितना है X2 माइनस X। अब बात करेंगे हम MB की, तो MB कितना होगा, MB विल बी MB This one. So, ये पूरा यहां तक तो मेरा y1 है और ये पूरा मेरा यहां तक कितना है y। So, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, y माइनस y1। So, ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1। अब हमें क्या चाहिए, QA, QA, so QA will be what, QA ये वाला पोर्शन है, तो ये पूरा मेरा y2 है और यहां तक मेरा y है, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y, तो ये कितना मिल गया y2 माइनस y। अब हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, तो PB कितना है x माइनस x1 अपॉन MA कितना है x2 माइनस x इज इक्वल्स टू MB कितना है y माइनस y1 और आपका QA कितना है, QA इज y2 माइनस वाई।
अब हमें क्या करना है कि एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे। इस थ्रू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इससे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा क्या हो गया, m by n is equals to x minus x1 upon x2 minus x। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो m x2 minus mx is equals to nx minus nx1। इसको मैं इधर भेज देता हूं x2, और तो क्या मिलेगा mx2, इसको मैं इधर ला रहा हूं, प्लस nx1 is equals to ये कितना हो जाएगा nx plus mx। तो यहां से मैं x कॉमा ले लूं तो यहां क्या मिल जाएगा m plus n, और यहां क्या हो जाएगा mx2 plus nx1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx2 plus nx1 upon m plus n। इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मेरी निकल के आएगी m y2 plus n y1 upon m plus n। इस तरीके से आप जो सेक्शन, जो इस लाइन को दो सेक्शन में बांट रही है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है आप ध्यान से देखोगे तो ये दो लाइन के बीच में, इसका मतलब ये कैसा डिवीजन है, सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए, इंटरनल के लिए है। अगर वही बात हम एक्सटर्नल के लिए करेंगे तो सिर्फ यहां पे माइनस साइन लग जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अध्यनिक्स।